जहां बीजेपी के सदस्यता अभियान को गति देने के लिए हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत इन दिनों पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहे हैं और इसी कड़ी में त्रिवेंद्र सिंह रावत आज नोएडा सेक्टर 71 पहुंचे, जहां सदस्यता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जहां त्रिवेंद्र सिंह रावत के पहुंचने पर गौतम बुद्ध नगर से बीजेपी सांसद डॉक्टर महेश शर्मा और क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया और नोएडा महानगर के अध्यक्ष मनोज गुप्ता ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वह सकारात्मक सोच के साथ लोगों को पार्टी से जोड़ने का काम करें। नोएडा में असीम संभावनाएं हैं। इस अवसर पर गौतम बुद्ध नगर के सांसद ने भी लोगों को भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने का आह्वान किया। त्रिवेंद्र सिंह रावत जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर हैं, क्या संदेश देंगे कार्यकर्ताओं को? देखिए, पार्टी, हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी संख्या वाली पार्टी है और वास्तव के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश और देश जो नई ऊंचाइयां छू रहा है, वह सब कार्यकर्ताओं के बल पर है। तीसरी बार हमारी सरकार बनी है देश के अंदर और मैं समझता हूं कि एक ऐसे कार्यकर्ता ने आज यहां पर सदस्यता की शुरुआत की है, जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक भी रहे, जो मुख्यमंत्री भी रहे, जो मुख्य प्रदेश के मुखिया भी रहे और आज ऐसे व्यक्तित्व के द्वारा भी प्रेरणा मिली है बाकी सभी कार्यकर्ताओं को कि हम सदस्यता अभियान में पूरे जोश के साथ, पूरे जोर शोर के साथ हम भाग लेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, हरिद्वार के सांसद हैं और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, आज सदस्यता अभियान के लिए नोएडा पहुँचे हैं। क्या मैसेज देंगे कार्यकर्ताओं को? नहीं, कार्यकर्ताओं में यहाँ पर बहुत जोश है। हमारे जो सांसद जी हैं वो बहुत लोकप्रिय हैं, उनका सबको आशीर्वाद मिल रहा है। उत्तर प्रदेश हो चाहे केंद्र में हो, जो हमारा नेतृत्व है वो बहुत साफ सुथरा नेतृत्व है और लोग पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। यहाँ पर मेंबरशिप भी अच्छी हुई है। सीएम साहब, एक लेमैन क्यों भाजपा से जुड़े? देखिए, ये जब लीडरशिप साफ सुथरी होती है तो हर कोई उससे जुड़ना चाहता है। कमज़ोर से कोई नहीं जुड़ना चाहता, कोई बदनाम है तो उसे कोई जुड़ना नहीं चाहता। और लोग आज ये समझते हैं कि अगर देश के लिए अगर कोई पार्टी वास्तव में काम कर रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। लोग देख रहे हैं कि 10 सालों में जिस तरह का डेवलपमेंट हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चरल जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ है, किसानों के लिए जो काम हुए हैं, विज्ञान के क्षेत्र में हो, हर फील्ड में जो काम हुआ है ना, वो बिल्कुल अभूतपूर्व काम हुआ है। तो स्वाभाविक रूप से लोग उससे जुड़ना चाहते हैं।